आदिवासी के साथ हमेशा से भेदभाव होते आया है। हम लोग इस भेदभाव को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आदिवासी समाज अभी जागा है और कभी पीछे हटेगा नहीं, छूटेगा नहीं। रैली निकालने का उद्देश्य है कि जितना भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने बलिदान दिया है, ये जन जन तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं, उनके जो वीर गाथा है लोगों तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। हम लोग को आगे आर पार की लड़ाई लड़ना है। अब आदिवासी जाग चुका है, अभी पीछे हटेगा नहीं, ना ही डरेगा, अभी खुल के लड़ाई लड़ेंगे। जो जितना भी झारखंड में हम लोग के साथ भेदभाव हो रहा है, जो भी हो रहा है, हम लोग खुल के लड़ाई लड़ेंगे और युवा सभी तैयार है इसके लिए। जोहार लोकतंत्र 19 से मैं सीमा कच्छप, फिलहाल अभी मैं आई हूँ जमशेदपुर के बिरसा नगर में। आज जैसे कि सभी को हम जैसे कि झारखंड के सभी आदिवासियों को पता है कि आज 30 जून यानी कि हुल दिवस है। सभी खास करके झारखंड के हर कोने में हर एक आदिवासी जो है अपने तरीके से जो है अपने अपने वीर शहीदों यानी कि सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो, इन लोगों को जो है अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। तो इसी तरीके से जो है जमशेदपुर में भी कुछ यूथ है, उन लोग का भी जो है अपने तरीके से वो जो है अपने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। चलिए इसके बारे में उन्हीं से कुछ बातें करते हैं। जोहार। जोहार दादा, आपका नाम थोड़ा बताइएगा। मेरा नाम संजीव कुमार मुर्मू। अच्छा, तो आप लोग ये जो रैली निकाले हैं कहाँ से निकाले हैं? ये रैली करंडी स्थित, ये जमशेदपुर का एक जगह है करंडी, वहाँ एक छात्रावास, आदिवासी कल्याण छात्रावास से निकल करके हम लोग ये कुकुराडी, फिर पुनः वापस स्टेशन विष्णुपुर, साक्षी, जमशेदपुर के पूरे शहर में ये रैली निकालने का काम किया हम लोग। अच्छा, यानी कि ये जो है एक आदिवासी पूरा संगठन है, वहाँ से ये रैली निकला हुआ है, मतलब जमशेदपुर के हर एक चौक चौराहे पे जाके जितने भी जो है वीर शहीदों को है इन लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो मतलब इसका क्या पर्पस क्या है, आप लोग जैसे रैली निकाल रहे हैं? रैली निकालने का उद्देश्य है कि जितना भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने बलिदान दिया है, ये जन जन तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं, उनके जो वीर गाथा है लोगों तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये मतलब पहली बार ही है या इससे पहले भी, मतलब कब से, मतलब ये आप लोग कुछ सोच के निकले होंगे ना, इतना मतलब इतने बड़े भीड़ को संभाल के चलना, कुछ तो मतलब पहले से आप लोग थिंकिंग रखे होंगे? देखिए, रैली का बात है कि हमारे पूर्वज हमेशा इससे पहले भी स्वतंत्रता सेनानी को याद करते रहे, अलग अलग तरीके से याद करते रहे, लेकिन जहाँ तक हम लोग तरफ से बात किया जाए, पिछले वर्षों से हम लोग भी हज़ारों की संख्या में बाइक रैली निकालने का काम कर रहे हैं और इस वर्ष भी ऐसा ही हमारे साथ। तो जैसे कि इन्होंने बताया, अभी हमारे साथ में एक युवा साथी है, शुक्रा हो, ये काफ़ी सोशल मीडिया में भी इस खासकर इस हुल दिवस को लेकर में बहुत सारी तैयारियां कर रहे थे, जिसकी झलक जो है हम लोग सोशल मीडिया में भी जो है उनके पोस्ट के माध्यम से देख पा रहे थे। चलिए आज हम लोग उन्हीं से एक बार डायरेक्टली बात करते हैं। जोहार शुक्रा। जोहार शुक्रा, कैसा रहा, इतने दिन से आप तैयारी कर रहे थे, मतलब कुछ कमी खलका या कैसा? नहीं, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। हम लोग जो हुल दिवस की तैयारी की तो पूरी तरह से तैयारी किए और हमें बहुत खुशी होती है कि अभी समाज में जो आदिवासी समाज के युवा और युवती और जितना भी लोग हैं बहुत जागरूक हो चुके हैं और अभी हम लोग को आगे आर पार की लड़ाई लड़ना है। अब आदिवासी जाग चुका है, अभी पीछे हटेगा नहीं, ना ही डरेगा, अभी खुल के लड़ाई लड़ेंगे। जो जितना भी झारखंड में हम लोग के साथ भेदभाव हो रहा है, जो भी हो रहा है, हम लोग खुल के लड़ाई लड़ेंगे और युवा सभी तैयार है इसके लिए। भेदभाव बोल रहे हैं शुक्रा, अभी जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, हम लोग के जो झारखंड के जो पूर्व में जो सीएम रहे हैं वो उनको जैसे जिस तरीके से जेल में लेके गए हैं, ठीक है, मतलब लेके गए हैं जेल में उनको, तो आपको क्या लग रहा है उनके साथ में कुछ इस तरीके का भेदभाव हुआ है या नहीं आपको? हाँ, हमें लगता है भेदभाव है, काहे कि झारखंड का सीएम को जेल में और केजरीवाल को पूरा छोड़ दिया जाता है, तो ये भेदभाव होता ही है। इसलिए आदिवासियों के साथ हमेशा से भेदभाव होते आया है। हम लोग इस भेदभाव को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आदिवासी समाज अभी जागा है और कभी पीछे हटेगा नहीं, छूटेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रा। तो ये है झारखंड के यूथ, यानी झारखंड जमशेदपुर के यूथ है। इन लोग जो है बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही साधारणता के साथ आदिवासी परिधान में ये लोग जो है रैली निकाले हुए हैं। हमारे जो पूर्वज है उन लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और देखने को भी मिल रहा था काफ़ी ही, मतलब सारे रोड में इतने मतलब भीड़ को लेके चलना मतलब मामूली बात नहीं है, फिर भी इन लोग जो है किसी तरीके का हो हल्ला नहीं करते हुए शांति से इस प्रोग्राम को यहाँ पे ख़त्म किए हैं। तो इसी तरीके के नए नए खबरों को देखने और सुनने के लिए लोकतंत्र 19 में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। मैं सीमा कच्छप की तरफ से जोहार रहेगा।